एक वक्त था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत में बेशकीमती हीरे जवाहरात, अकूत धन दौलत, हजारों हजार टन सोने से भरे खजाने हुआ करते थे। परंतु विदेशी शासकों ने भारत से कई हजारों हजार टन सोना लूट लिया और ऊंटों पर लादकर अपने देश ले गए। लेकिन भारत में कई ऐसे राजा भी हुए जिन्होंने अपने खजाने को लूटने से बचाने के लिए कई गुप्त तहखाने या गुप्त गुफाएं बनवाई जहाँ से खजाने को लूटना लगभग नामुमकिन हो। विदेशी शासकों के सोना लूट जाने के बावजूद आज भी भारत में कई गुप्त जगहों पर लाखों लाख टन सोने से भरे सैकड़ों खजाने दबे पड़े हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको भारत की एक ऐसी ही गुप्त और रहस्यमय गुफा के बारे में बता रहे हैं जिसमें बेशकीमती सोने का खजाना दबा पड़ा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार के राजगीर शहर में स्थित सोन भंडार गुफा की। कहा जाता है कि इस गुफा में कई लाखों लाख टन सोना दबा पड़ा है। अगर ये सोना भारत को मिल जाए तो भारत रातों रात फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है। परंतु इस रहस्यमय गुफा को खोलना इतना आसान नहीं है। आप सभी के जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या सच में इस गुफा में लाखों लाख टन सोने से भरा खजाना मौजूद है? अगर हाँ तो ये है किसका? तो चलिए अनूठी विरासत के साथ विस्तार से जानते हैं इन सभी सवालों का जवाब और इस रहस्यमय सोन भंडार गुफा से जुड़ी रोचक कहानियों और तथ्यों के बारे में। सोन भंडार गुफा बिहार राज्य में इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण शहर राजगीर की वैभवगिरी पहाड़ी की तलहटी में स्थित है। सोन भंडार गुफा खजाने के अकूत भंडार के रहस्य और रोमांच से भरी है। कहा जाता है कि इस गुफा में सोने और बहुमूल्य खजाने का अकूत भंडार है। कहते हैं कि सोन भंडार गुफा में मौजूद अपार खजाना मगध सम्राट बिंबिसार का है। इन्होंने बढ़ते युद्धों के चलते अपने अपार अकूत खजाने को इस रहस्यमय गुप्त गुफा में छिपा दिया था ताकि कोई इसे लूट ना सके। इस सोन भंडार गुफा को बहुत ही रहस्यमय ढंग से बनाया गया और एक बड़े पत्थर से बंद किया गया। इस गुफा में दो कक्ष बनाए गए। पहला कक्ष इस गुफा में मौजूद सोने के खजाने की रक्षा करने वाले सैनिकों के लिए बनाया गया। दूसरे कक्ष में अकूत खजाना छिपाया गया, परंतु इसे एक बड़े पत्थर से बंद किया गया जिसे आज तक कोई भी नहीं खोल पाया। इस गुफा की दीवार पर संक लिपि में कुछ लिखा हुआ है जो आज तक पढ़ा नहीं जा सका। कहते हैं कि इसमें खजाने के दरवाजे को खोलने का तरीका दे रखा है, परंतु इस लिपि को पढ़ने में दुनिया भर के लोग नाकाम रहे हैं। कहते हैं कि इस लिपि को पढ़ने वाले सभी लोग बहुत सालों पहले ही मर चुके हैं। कई लोगों ने इस गुफा को खोलने की कोशिश भी की, परंतु सभी असफल रहे। कहा जाता है कि एक बार अंग्रेजों ने इस गुफा के दरवाजे को खोलने के लिए तोपों से हमले करवाए थे, परंतु तोपों के गोले भी इस गुफा के दरवाजे का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अंग्रेजों ने बार बार इस गुफा के दरवाजे पर गोले बारूद बरसाए, परंतु हर बार उन्हें केवल और केवल नाकामी ही हाथ लगी। इसके बाद अंग्रेजों ने कई लोगों से दरवाजे पर लिखी संक लिपि को पढ़वाना भी चाहा, परंतु इसमें भी वो नाकाम रहे। सोन भंडार गुफा के दरवाजे पर गोले बारूद के निशान आज भी मौजूद है। सोन भंडार गुफा और इससे जुड़े खजाने के रहस्य का पता आज तक कोई नहीं लगा सका। सोन भंडार गुफा के पास ही उस जैसी और गुफाएं भी है जिन्हें बराबर की गुफाएं कहा जाता है। इन गुफाओं के कमरे भी सोन भंडार गुफा की तरह ही बनाए गए और इस गुफा के पास ही एक जेल भी है जहां अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को बंदी बनाकर रखा था, परंतु अजातशत्रु सम्राट बिंबिसार के अकूत खजाने को हासिल नहीं कर पाया। मगध सम्राट बिंबिसार के खजाने के बारे में ये भी कहा जाता है कि बिंबिसार के खजाने तक पहुंचने का रास्ता वैभवगिरी पर्वत सागर से होकर सप्तपर्णी गुफाओं तक जाता है जो सोन भंडार गुफा के दूसरी ओर पहुंचती है। सोन भंडार गुफा देश की उन रहस्यमय जगहों में से एक है जिनके बारे में कहा जाता है कि इनमें लाखों करोड़ों टन सोना छिपा हुआ है। बिहार की सोन भंडार गुफा में अकूत अपार बेशकीमती खजाना है या नहीं ये तो कहा नहीं जा सकता, परंतु इस गुफा के दरवाजे पर संक लिपि में कुछ लिखा होना और एक ऐसे मजबूत दरवाजे से बंद किया जाना जो तोपों के वार से भी ना टूटे, इससे स्पष्ट होता है कि इस गुफा में खजाना हो या ना हो, परंतु कोई ना कोई बहुत बड़ा राज जरूर छिपा है। ये राज क्या है कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता। सोन भंडार गुफा और इससे जुड़े खजाने का रहस्य दुनिया भर के लिए एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है।